जय हो विष्णु लक्ष्मी की। मेरे प्रिय साथियों, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए एक विशेष मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो इस क्वारंटाइन पीरियड में आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा। पहली बात तो अगर घर में अगर पीतल का दीपक हो तो उसे प्रज्वलित करके आप भगवान के समक्ष रख दें, और जो मैं पूजा बता रहा हूं उस पूजा को पूर्ण करने के बाद अपने घर के ईशान्य कोण में देसी गाय के घी का दीपक पीतल के दीपक में लगाना चाहिए। अब समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न था दक्षिणावर्ती शंख। अगर आपको ज्ञात हो तो 14 रत्नों में से मां लक्ष्मी के भाई के रूप में दक्षिणावर्ती शंख, जो कि विष्णु जी के साले बने। यहां पर शुक्रवार को आप जब भी आपको समय मिलता है आप दिन भर में ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चांदी के लोटे में भी आप ये कर सकते हैं। और ये है शुद्ध चंदन, चंदन को घिस के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से इस चंदन को आप इसमें मिश्रित कर दीजिए जल में। एक चांदी का सिक्का अगर हो सके तो आप ज़रूर इस चंदन में साथ में ज़रूर डाल दीजिए। अब ये चंदन मिश्रित जल है। श्री सूक्त का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इन तीनों को पाठ को करते हुए अगर आप इस प्रकार से अब पाठ आप पढ़ सकते हैं, आप YouTube से ये कहीं से भी चला सकते हैं, अन्यथा ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार मंत्र जाप करते हुए आप विष्णु जी की प्रतिमा, विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप शुक्रवार को ये प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि सुख शांति और समृद्धि का वास आपके घर पर सदैव रहेगा। आज के दौर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, पैसा फंस गया, नुकसान, धोखे, खर्चे, कर्जे, कई प्रकार की स्थिति हो चुकी है। जब ऐसी स्थिति में आप दक्षिणावर्ती शंख का ये प्रयोग करते हैं उसके बाद आप इनसे अपनी भूल चूक की क्षमा याचना करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। मैं ये पूरी प्रक्रिया भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन जितनी जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप दूध से बनी हुई खीर का पूरा प्रयोग करके इन्हें शुद्ध जल से स्नान करवा के यथा स्थान पर विराजमान करें। उसके बाद आसन लगाएं, भोग के रूप में खीर चढ़ाएं। उसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप इनसे प्रार्थना करें कि हमें इस विपत्ति के काल से, घोर अंधकार से बाहर निकालें, हमारे यहां पर सुख शांति समृद्धि का वास हो। घर में सुख समृद्धि और शांति वहीं होगी जहां ग्रह कलेश नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, साथियों, घर में लड़ाई, झगड़ा, वैर, विरोध, मनमुटाव, इन सबको कभी मत घर में स्थान दीजिए। ये नहीं होगा तो मां लक्ष्मी और विष्णु जी आपको हमेशा के लिए आशीर्वाद देंगे। आप शुक्रवार के दिन ये प्रयोग जरूर करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। मैं लक्ष्मी जी, विष्णु जी और गणेश जी से, सभी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी साथियों का, विश्व का कल्याण करें और सभी लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार।